तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप श्रीवास्तव अपने सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज हाँ आप कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्योंकि हरियाणा की 10 सीटों में कुछ एक सीट ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला है और उनमें से एक सीट कुरुक्षेत्र की भी है। और सर्वे की अगर बात करा, लगभग हमने 20 गांव का 15 गांव का सर्वे करा हुआ, 50-50 है। बिल्कुल यूं नहीं है कि वो ऊपर वो नीचे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट 50-50 है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। राम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र में टिकट आपको मिल गई, मतलब कुरुक्षेत्र से क्यों? आपने अपने हल्के से ले लेते तो कुरुक्षेत्र में एंट्री का क्या तुक पड़ा? सारा हल्का ही हमारा है, तो मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो पूरा हरियाणा अपना है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। 18 मंजिल का एक मंदिर हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक धर्मशाला है हमारी, एक हॉस्पिटल का हम निर्माण करिए, 2 एकड़ जमीन ले रखी है, उसकी शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ जी, कुरुक्षेत्र के अंदर आके युग का परिवर्तन हुआ था। तो मेरी सोच भी यही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के युग के परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। निर्णायक धरती है ये। श्री कृष्ण भी जेल में से होकर थे, अरविंद जी भी जेल में से होकर आने वाले हैं, इसका मतलब जिस दिन जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण पैदा हुए थे उसी दिन अरविंद केजरीवाल पैदा हुए थे जी। और भगवान श्री कृष्ण का तो आशीर्वाद सबको ही मिलता है, वो हमेशा धर्म के साथ रहे, सत्य के साथ रहे। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिस प्रकार से सीटिंग मुख्यमंत्री उसको जेल में डाल रही है चुनाव से दूर करने के लिए, अपने इलेक्टोरल बोंड के मुद्दे को अवॉइड करने के लिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए गए हैं, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाता कि ये डरे हुए, ये भयभीत है। इनको पता है जब से इंडिया का गठबंधन बना इनके जाने का समय निश्चित हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आप जिक्र करने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ अठनी चौनी तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के भी खाते में आई है ना जी? ना, मारे नहीं आए, 5 पैसे भी कुछ नहीं आए ना। अच्छा जी, सारा माल सब कुछ, ये चंदे के बदले धंधा, ये भी एक बीमारी है ना। कांग्रेस के तो खाते में गया है इलेक्टोरल बोर्ड से। देखिए, राजनीतिक पार्टी चंदा ले कोई बात नहीं जी, परंतु ईडी से डरा के ले, भ्रष्टाचारियों से ले, उसके बदले धंधा दे, दिस इज बैड। अब आप कुरुक्षेत्र की बात ही ले लो जी, 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया और 195 करोड़ रुपए चंदा भी दिया, और उसके बाद उसको धंधा भी दिया, और उसके बाद यहां चुनाव में भी उतार दिया। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास कि 1,86,000 करोड़ रुपए उसमें हजम हो गए? अरे देश का पैसा था, या तो प्रधानमंत्री जी कहे मैंने झूठ बोला था, चुनावी बेनिफिट के लिए बोला था, नहीं तो देश का पैसा था, देश के पास जमा करा हुआ। ऐसे भ्रष्टाचार, आपने कोयले घोटाले का जिक्र किया और भाजपा ने उनको ले लिया। जब आम आदमी पार्टी का उद्गम हुआ, शुरू हुई, तो अन्ना हजारे के आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ थे, इनको जेल में डाल दो, बिल मत भरो, केजरीवाल साहब के ये बयान थे। आज वही केजरीवाल साहब कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। देखिए, जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं ना, देश का लोकतंत्र उनसे सबसे बड़ा है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान सबसे बड़ा है। अगर संविधान को तोड़ा जाएगा, संविधान को अवॉइड किया जाएगा और देश के लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा, तो बाकी चीजों पे इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये चीजें सर्वोपरि हैं। हम सांसद बने ना बने, कोई सरकार में आए ना आए, परंतु देश बचना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी थी। मैंने यूं लगा जी, जो करीब ये सारे इलेक्शन है ना, राजनीति है, सिर्फ कुर्सी के लिए है। जब आप ये छोटे मोटे एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, अभी छोटे मोटी बात थी, कोई बात नहीं हो चुकी, तो फिर यू सिस्टम आपने पंजाब में क्यों नहीं करा? ये गठबंधन हरियाणा में ही क्यों करा, पंजाब में नहीं करा आपने? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार थी,
पंजाब में बीजेपी कहीं थी नहीं, ये गठबंधन इस निरंकुश बीजेपी पे अंकुश लगाने के लिए जी। ये गठबंधन इस भ्रष्टाचारी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। पंजाब में बीजेपी चौथे नंबर पे, इसलिए वहां गठबंधन की जरूरत नहीं थी। ये गठबंधन है जहां पे वोट डिवाइड होती है और बीजेपी को बेनिफिट मिलता है, इस दफा ये वोट डिवाइड का धंधा खत्म हो गया। अभी बात करा हम कुरुक्षेत्र की, एक बार ये मेरे पास खबर आई थी, सच है कि झूठा आप ही बताना, आपका भी नाम चल रहा था, नवीन जिंदल का भी नाम चल रहा था, टिकट किसी की कंफर्म नहीं थी, तो आपने फोन करा नवीन जिंदल जी के पास, भाई तू इलेक्शन लड़ता हो तो मैं नहीं लड़ू, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं लड़ता, लेकिन जैसे ही आप आए नवीन जिंदल जी की भी एंट्री हुई, ऐसी कोई बातचीत हुई? देखो बानिया के जवान राख रहे और जवान पे निदा तो फिर बेकार है जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात की जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात की जी, और दोनों जगह उन्होंने मना किया कि मैं नहीं लड़ूंगा। और एमएन की क्यों, मुझे तो पता चला कुरुक्षेत्र से 150-200 लोगों ने बात करी जो इनके खास व्यक्ति जी, और सबको मना किया भाई मैं नहीं लड़ूंगा, आप जहां मर्जी काम करो। अब ऐसी क्या मजबूरी होगी, उनको जनता को बताना चाहिए अभी इस मजबूरी में लड़ रहा हूं, कोई ईडी का डंडा था, पुलिस का डंडा था, क्या मजबूरी हुई कि अपनी जबान से पलटना पड़ा। तो इसलिए आप आए फिर पीछे पीछे में मजबूरी के कारण आए नवीन जिंदल, आपका सीधा सा मतलब ही है पर वो तो नवीन जिंदल ने बताया क्या मजबूरी थी, या देश का प्रधानमंत्री बताएगा उसकी क्या मजबूरी थी, दोनों में से एक की मजबूरी था ना। प्रधानमंत्री जो कह रहा है भाई कोयला चोर है जी, तो प्रधानमंत्री को ईवीओ साफ सुथरा कुकर हो गया, एक दूध का दूल्हा कुकर हो गया भाई। ये बात नवीन जिंदल भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था, इन दोनों का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा था, इसी बार लावांगे बहुत अच्छा था दूसरे, मतलब मोदी जी ने कहा कोयला घोटाला में भी ये चोर है, तो उनकी तरफ से भी तो प्रतिक्रिया हुई, मतलब गाली गलौज चोर हुए तो दोनों ही तरफ से हुए, एक तरफ से तो नहीं हुए होंगे ना, एक के तरफ तो से दोनों अपने समझौता कर लिया होगा, एक के तरफ से चल रहा है वो तो काम। अच्छा एक के तरफ से, दूसरा तो डरता होगा ना भाई, जब डरता आदमी क्या करेगा, मजबूर सांसद नीचे मजबूत चाहिए जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता जी। मैं कह रहा हूं तो मोदी की जान के दिन आ लिए, ईब तो कम कम से कम बोल देगा मोदी झूठ बोल रहा था, मैंने कोयला दिखाया जी, अरे खाया तो देश के पैसे जमा करा दे, अगर मोदी सच बोल रहा था जी। तो देश के पैसे जमा करा दे, इसमें क्यों रोला है। सबसे अहम सवाल जो है, पिछली बार 2019 में इलेक्शन हुआ, भाजपा 384,000 लगभग वोटों से जीती, भाजपा की तरफ से नायब सैनी थे, इधर से राजकुमार सैनी थे, इधर से निर्मल चौधरी थे, निर्मल चौधरी बहुत बड़ी शख्सियत है, कांग्रेस की तरफ से थे चित्रा सरवारा, निर्मल चौधरी बाप बेटी ने पूरी ताकत लगाई, उसके बावजूद भी वो 384,000 से हार गए। नायब सैनी को इतनी मजबूत स्थिति में भी नहीं थे, फिर भी इतनी वोटों से जीत गए। आपके पास कौन सा रामबाण है, आपके पास ऐसी कौन सी स्थिति है, अभी एक तो 384,000 से कम लाओगे और फिर जीतो भी गए, और आपके साथ तो और कोई स्ट्रॉन्ग आदमी भी नहीं है, जो भी है तो मना नहीं लगा जैसे वोट ही आपकी काटेंगे। अभय सिंह चौटाला जी की बात करा, ये बताया था ना स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है, श्री कृष्ण वो हमारे साथ है, बाबा साहब हमारे साथ है, इनका संविधान हमारे साथ, मतलब पांडव भले ही पांच थे तो कौरवों से जीत गए, बिल्कुल ये जितनी मर्जी ताकत लगा ले इनकी छूट है, तो जेल में डाल दे फिर भी लड़ेंगे हम, हर बार कृष्ण भगवान का नाम लेकर तो नहीं जीत सकते आप, फिर भी आपके पास वो समीकरण कौन से हैं, भाई हम तो 4.25 लाख प्लस वोटों से जो आदमी जीत रहा है उन्हें मरावांगे। मैं बताता हूं जी, अभी तो आपका यू भी नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री तो कोई भी बना देगा, चिंता ना करे, पहले अभी तक तो यही नहीं बताना, पहले सांसद की बात ले ले जी। नायब जिसकी बात कर रहे हो तो गायब है जी, और वो अपनी धर्मपत्नी को जी जिला पास नहीं जिता पाया, जमानत जब तो चौथे नंबर पाया, अब उसको कमांडर बनाया, 10 सीट जीतने का था, उन 10 में से एक में 48 नवीन जिंदल, पिछले 10 साल में
ना तो कोरोना का टाइम आया, ना बाढ़ का टाइम आया, ना किसी का ब्याह आया, ना गुड्डा नुआन आया, ना किसी का टेलीफोन नंबर। तो मैं 25 साल से जिस परिवार का राजनीतिक रिश्ता जिस हल्के से हो, और वहां बिल्कुल नो जब ना है ही नहीं, ईब चलते चुनाव के बीच में विदेश घूम रहा है, जनता के संपर्क में नहीं है, तो जनता ऐसे मजबूर सांसद को क्यों चुनेगी? मजबूत को चुनेगी हमारे पर का जो किसान आंदोलन में मोदी की आंख मार डाल के संसद में बोला करता, मोदी मुर्दाबाद, इसके 186 करोड़ रुपए का आरोप है, फिर नहीं बोलता मोदी मुर्दाबाद। दोनों चीजों में फर्क है। आप लोगों के बीच में जाओ, लोगों की समस्याएं क्या हैं? जी हमारा तो यो काम था, यो नहीं होया, या क्या समस्याएं? आम जनता की बात बताएं आप, वो रटी रटाई बात ना बताएं। आम जनता क्षेत्र की जनता, मैं बता रहा हूं, आम जनता की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है। बीजेपी ने बेरोजगारी कर दी, बीजेपी ने नशा फैला दिया, बीजेपी ने महिलाओं को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने फौजी 4 साल की कर दी, बीजेपी ने 47 बार पेपर लीक कर दिए, बीजेपी ने किसानों के लठ मारे, सरपंचा के लठ मारे, पटवारी के लठ मारे, क्लर्का के लठ मारे, सबका लठ गल बात करें तो बड़ी समस्या तो बीजेपी है। इस बड़ी समस्या का समाधान कर लेगा, छोटे मोटे समस्या पर अपना आप समाधान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में कितने लोगों को नौकरी दे चुकी है, ऐसा कोई आंकड़ा? 45,000 को नौकरी दे चुकी भाई, और प्राइवेट नौकरी खूब दे दी, खूब इंडस्ट्री दी, सारे कच्चे वाले पक्के कर दिए और बिना खर्ची पर्ची कर दिए। और दिल्ली में? दिल्ली में तो 2.5 लाख तो पर नौकरी दे दी हमने इन 5 सालों में, 10 सालों में? 10 साल में 2.5 लाख की नौकरी, सरकारी नौकरी आप दे चुके हैं? सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियां मिला के। अगर मैं सिर्फ सरकारी सरकारी की बात करूं, वो तो आंकड़ा फिर दिल्ली वाले बताओगे, मैं तो हरियाणा का प्रधान हूँ। तो जैसे कि आपने हरियाणा में कोलैबोरेशन कर लिया कांग्रेस के साथ, तो क्या कांग्रेस में अब कोई करप्शन है नहीं हरियाणा में? ये मानना हम जैसे हुड्डा साहब देश बढ़ा के करप्शन बढ़ा, ये तो आप बताओगे? संविधान बढ़ा के करप्शन बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा के करप्शन बढ़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ऊपर देश होगा ना, सबसे ऊपर देश है। मैं कह रहा हूँ छोटे मोटे जो आरोप होंगे किसी पे जी तो फिर सुन लीजिएगा। हुड्डा साहब के पहले तो देश बता, हुड्डा साहब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लैंड डील मामले के, तो क्या ये है या नहीं? ये लोग क्या करते हैं, कमरा तैयार करा रखा है, इसे आरोप तो कमरे में भेजा क्यों नहीं जी? ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्या करते ना, कमरा तैयार करा रखा है, जेल में कमरा तैयार। पिछले इलेक्शन में क्यों नारा दिया था, जिस जिस साल में भेजेंगे? फिर हुड्डा साहब खातर का, अरे सरकार इनकी झूठे आरोप लगा के इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भेज रखा है। 1,500 अफसर 2 साल से तफ्तीश कर रहे हैं, कम से कम 1,000 जगह रेड कर ली, आज तक मोरा सिक्का नहीं मिला, 54 नहीं मिली, अठन्नी नहीं पाई, 54 भी नहीं पाई, अटल तो बड़ी हो गए। जब 54 भी नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट में 4 दिन नहीं चलेगा मुकदमा, तो झूठे केस में तो ये इसलिए तो संविधान का तोड़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में थी तो जेल कैसे होगी फिर केजरीवाल साहब? देखिए ईडी के अंदर प्रावधान ऐसा है कि एक भी भीतर जहां बच है व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता मैं निर्दोष हूं, तो फिर तो मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। इतनी फास्ट ट्रैक हिंदुस्तान में नहीं है ना सिस्टम अभी भाई। ईडी अगर उसके पास कोई सबूत है तो दे देती ना, 2 साल से इसका दर्जन बंद कर रखा है इस मुकदमे में, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया बंद कर रखा है, संजय सिंह को बंद किया था, दे देते कुछ ना कुछ। अगर मैं 1.5 साल 2 साल से अंदर बंद है, अगर केजरीवाल साहब 6 महीने रहे तो आप तो सरकार चलावांगे, तय है ये तो। ऐसा कानून है कि जेल से सरकार चला उसको, ऐसा कानून? क्योंकि मीटिंग भी होनी है, प्रस्ताव भी पारित करने हैं जेल में, मीटिंग होने में मना है, इतना बड़ा स्टाफ रहे, इतने बड़े कमरे, कमरा और दे देंगे, एक कमरा कैबिनेट के लिए दे देंगे, मेज कुर्सी दे दी ना, किताब दे दी, कलम दवात दे दी, एक कमरा भी दे देंगे, मीटिंग भी हो जाएगी वहां। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जेल से सरकार चला सकते हैं आप? खूब चल रही होगी ना, देखो तो मुख्यमंत्री जेल से ऑर्डर दे रहा है ना। ये जो नाम आए हैं, क्योंकि मीडिया में तुम्हें चल रहा है कि केजरीवाल साहब ने नाम ले दिया आतिशी जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, वे नाम क्या नाम आए हैं? देखो
ये सारे सौरभ भारद्वाज जी से खैर मैं पर्सनली मिला हूँ, मन तो बढ़िया लगे। केजरीवाल तो कहते झूठ बोला नहीं करता, केजरीवाल पे आरोप लगाना नू सोच लो सूरज के कलर का टिक्का लगाना है, तो यह बीजेपी के बस की बात नहीं है। केजरीवाल को भीतर करके इन अपने तबूत में आखिरी कील ठोक ली। देश में करोड़ों केजरीवाल की सोच है, उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे? इसके शरीर को तो गिरफ्तार कर लिया, ये सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करें, ये आतिश को गिरफ्तार करें, ये कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करें, ये सारे दिल्ली सरकार को गिरफ्तार कर लेना, फिर कैबिनेट को लगता है जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कैबिनेट हो जाएगी, उड़े काफू करेंगे। तो अब हरियाणा की स्थिति क्या लग रही है, 10 लोकसभा में से भाजपा कितनी और विपक्ष कितना? देखो भाई ईमानदारी से बताऊं जी, मैं तो जिस गांव में जा रहा हूं जी, जिस वार्ड में जा रहा हूं, जिस मंडी में जा रहा हूं, सारे भाजपा ने गाली दे, मन तो दिखता नहीं भाजपा की एक सीट पे आओगे। 10 की 10 लोकसभा, 10 की 10 एक आदमी दे दो बेचारे में भी रोटी खावा। वो किसकी बात आगे बता दे, किसकी? और आप दे दो, मैं तो ना किसी की भी नहीं है, मैंने तो बैठते बैठे सिरसा में इनका विरोध हो गया, इजार में इनका विरोध हो गया, सोनीपत में इनका विरोध हो गया, महेंद्रगढ़ में इनका विरोध हो गया, तो विरोध हो चल रहा है। कई बार जब हम घूमा हाँ तो यूं लगा है कि अगर सुशील गुप्ता जी इलेक्शन जीत गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, विपक्ष के 9 है, कांग्रेस के मामले 9 आदमी है, और सुशील गुप्ता जी जीत गए और कांग्रेस की तरफ से 1-2 ही जीता, तो हरियाणा में हैवी हो जाओगी आम आदमी पार्टी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर हैं वो जिताने नहीं देंगे सुशील गुप्ता जी। मैं एक बात बताऊं जी सर, सुशील गुप्ता जीता है, कोई कांग्रेस का जीता है, सेंटर में तो हमने इन्हें का समर्थन करना है, प्रधानमंत्री तो इन्हें का बनना, भारत बनना नहीं, भारत अगली बार बनेगा 2029 में केजरीवाल होगा, इनका तो इनका बनना है, इनका हमने समर्थन करना है, ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं, अगर ये सारी मेहनत मोदी ने निकाल की है, अरे इन्होंने धोखा दे दिया तो फिर कोई धोखा नहीं दे रहा, दिल से साथ है, कति धोखा देने सुरजेवाला जी से मुलाकात होती है, खूब हुआ खूब, तो है साथ में आपके पूरे तन मन धन से साथ है, जेपी साहब जो कलायत से तन मन धन से साथ है, धन की तो कमी नहीं जी, तन मन की जरूरत है, सब सारी चीजों की जरूरत है, सब देसी बनिया हूं मैं तो, मैं ज्यादा चक्कर नहीं बनता। तो हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से इलेक्शन? हरियाणा की जनता का मैं कहूंगा भाई, लठमार सरकार या भ्रष्टाचारी सरकार या महिला विरोधी सरकार या किसान विरोधी सरकार या युवा विरोधी सरकार, ये व्यापारी विरोधी सरकार, ये इसका धक्का मार दो, इसके जान के दिन आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो, युवा जो डरा के रखे ना, धमका के रखे, व्यापारियों पे तो गोली चला के फिरौती की बात हो है, ये सुनते रहे, किसान ना गल्ला ठमारा है, एमएसपी दे दी नहीं, महिलाओं का देख लेता हमने बेटियों का तंत्र मंत्र पे क्या हाल किया था, तो चारों तरफ से इनकी बात परेशानी है, फौज भी 4 साल की कर दी, आज नौकरी तो नहीं दे पाए, नुको है 40 साल तो ऊपर के कुआरा ने वो देवांगे हम पेंशन, अरे ब्याह करवा दें दे, ब्याह जब होता जब नौकरी मिल जाती, क्यों ऐसा काम कर रहे देश में, ये तो इनको विदाई कर दो। तो हर हाल इंटरव्यू भाई यो इतना है, और जिस तरीके से सांसद साहब से बात करी अच्छा लगा, पॉजिटिवनेस है, नेगेटिविटी नहीं है, और कोई सोच का इंटरव्यू नहीं दिया गया, फटाफट जवाब थे, दिमाग क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और पूरे लोकसभा में मैं घूमा भी हूं, लोगों के बीच में बैठा भी हूं, जितना बड़ा नाम नवीन जिंदल जी का है, नाम तो खैर बड़ा ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, उतनी बड़ी लोकसभा में जीत नहीं है, तो यू इलेक्शन बड़ा कांटे का है, और जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा, भगवंत मान जी भी अब आ रहे हैं मेरे ख्याल से, आ जा रहे हैं, और फिर हुडा साहब भी हैं, सब हैं, सुनीता केजरीवाल जी भी आएंगे, संजय सिंह जी भी आएंगे, और जेल से लकड़ के अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। कब तक आ जाएंगे? एक बताओ, जेल के ताले टूटे समझ ले, और केजरीवाल को छूटे समझ ले, केजरीवाल भगवान रातों रात जेल से बाहर आ गए थे अपना, ऐसा ही होगा, या देश की जनता ना जी इनको भी रिजेक्ट कर चुकी है, आप देखो यूपी में विरोध हो रहा है इनका, गुजरात में इनका विरोध हो रहा है, गुजरात में इन्होंने राजपूत समाज के लिए पुरुषोत्तम रूपाला ने बड़े भद्दी लैंग्वेज को यूज किया है,
वहां पे नौ महिला ने जोहर देने की कोशिश की इसके खिलाफ। यूपी के अंदर भी कल 1 लाख राजपूत इकट्ठे हुए इनकी चीजों को देखते हुए। ये क्या कर रहे हैं, कदे हिंदू मुसलमान लड़ा देंगे, कदे जाट नून जाट लड़ा देंगे। रणजीत चौटाला का भी बयान था एक ऐसा ही सर, रणजीत चौटाला ने गवा बाबा ने नाश कर दिया। मैं नुगरा बाबा मेरे तो पैदा होते कुछ नहीं है, आप तो पैदा होते मारा दादा हो जाए, हमने तो कदे ऐसी बात नहीं सोची। इनके विरोध दिमाग में बीजेपी मान दे कुछ उपद्रव लगते हैं कि कुकरे जात पात पे लड़ाओ भाई, कुकरे धर्म पे लड़ाओ। इनने मेवात में कोशिश नहीं करी, ये तो जमींदार भैया का भला हो, उन्हें कह दिया हूं नहीं देवेंगे ऐसा। नहीं तो इन्हें तो हरियाणा जलाने की तैयारी कर ली थी पूरी, उससे भी इलेक्शन था जैसे पिछली बार पुलवामा पे किया। ईब के जनता ने देख लिया, कोई धोखा नहीं खाओगे जी। तो भाई ये इंटरव्यू फिलहाल इतना है, और आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तो इलेक्शन शुरुआत है, बीच बीच में और आवांगे, आप अपने कमेंट जरूर छोड़ें कि नेक्स्ट टाइम मैं सुशील गुप्ता जी के ऊपर आपके आरोप लगाओ, उनकी भी जवाबदेही लेवांगे। तो फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।